ओके तो बेटा कल हम लोगों ने जो बात डिस्कस करी थी वो थी अबाउट द पैटर्न ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड द पैटर्न इन अ ग्रुप इज दैट कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि टॉप टू बॉटम आपका डिस्टेंस जो है वो बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो जाता है। जब आपके पास न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो इट इज अफेक्ट दैट के योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स लो, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास कम होगी तो इट इज इजी टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज द ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अक्रॉस द पीरियड, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इन अ पीरियड आपके पास नंबर ऑफ शेल्स क्योंकि सेम रहते हैं, द इनर शेल्स आर सेम, जिसकी वजह से आपका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड व्हेन योर शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट तो आपके पास बेटा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके, अब इस बात को जरा हम लोग लिख लेते हैं अपने पास। इस तरह कल हम लोगों ने ये पॉइंट्स लिखे थे ग्रुप पर, तो अब इसी तरीके से हम लोग बेटा पीरियड्स के भी पॉइंट लिख लेते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो क्या उसमें डिफरेंस आता है एंड क्या क्या चीजें उसमें चेंज होती है। ठीक है, अब बेटा देखिएगा, द ट्रेंड, द जनरल ट्रेंड ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी द जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड इज इंक्रीजिंग। पहला पॉइंट दिया गया। इसके बाद व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, दिस इज बिकॉज अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस सेकेंड थिंग distance between nucleus and outer electron outer electrons decreases and बल्कि इसको अलग से लिखता हूँ एंड द थर्ड पॉइंट इज द शील्डिंग इफेक्ट इज कॉन्स्टेंट। बेटा इसकी वजह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है बेटा, यहां तक बात सबको क्लियर है? बेटा सब क्लियर है? आगे चलूं? अदीन अम्मार जी सर, क्लियर है। दाऊद बताओ। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है,
अच्छा अब बेटा एक बात सुनिएगा, तो जब हम कहते हैं कि अक्रॉस द पीरियड योर आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनना चाहिए है कि अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन नंबर लिखते हैं, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पर अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो बेटा इसका ग्राफ हमारे पास आना चाहिए था ऐसे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन आनी चाहिए थी, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे नंबर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो योर आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो आपका ग्राफ इस तरीके से आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जो आपका ग्राफ जनरेट हुआ फॉर दिस आयनाइजेशन एनर्जी वो कुछ इस तरीके का हुआ। अभी मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ, पहले देखिएगा फिर बाकी बातें करेंगे। हाँ बेटा नाइनटीन और ट्वेंटी, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का मैं आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूँ। सही, तो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन नंबर्स हैं बेसिकली, प्रोटॉन नंबर्स, और ये आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। 1 से 20 तक चला गया, तो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास आया हाइड्रोजन, और इसकी जो प्रोटॉन, इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आई वो ये थी। ठीक है, दूसरा आपके पास आया आपके पास हीलियम, और हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास ये इंक्रीज हो गई। ठीक है, फिर जब हम तीसरे पे गए तो वी हैव द लिथियम, फिर सोडियम, तो लिथियम के बाद ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसमें जो चीज समझ नहीं है बस हम उसकी बात करेंगे भी, पहले मुझे बनाने देना। ऑक्सीजन, आपके पास सीलोन, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक आ गया बेटा। सही, तो इसका ग्राफ की फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो गई।
है, वसीले आपके पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। फिर है ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सर जी बेटा सर, ये बस। आपने आयनाइजेशन एनर्जी मार्क कर लिया, ये अंदाजे से कर लिया। हाँ, ये स्केच करी हुई, अभी बनाना नहीं है, मैं स्केच कर रहा हूँ, पूरा बनाना नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जीज की फिक्स वैल्यूज यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ स्केच कर रहा हूँ और आपको इसका ट्रेंड समझा रहा हूँ, बनाना नहीं है। अच्छा सही, अच्छा ये आ गया बेटा। 1 से 18 एलिमेंट्स तक मैंने लिखे हैं, और यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम, ये तो किसी भी आपके पास पीरियड में नहीं आ रहे, बल्कि ये पीरियड 1 ही है, इसको समझ लो। अब लिथियम से लेकर, फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, ये लिथियम टू नियॉन, दिस इज पीरियड 2, यह है पीरियड 2। एंड फ्रॉम सोडियम टू एर्गन, दिस इज पीरियड 3। ओके, अब पीरियड 1 को अभी छोड़ो, ये हाइड्रोजन और हीलियम का ये आ गया अपना पीरियड 1 ना, इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग निग्लेक्ट कर दें, लेट सपोज, तो हम क्या करेंगे मुझे बताइएगा कि इस अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है जो हमने पढ़ा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग, बढ़ेगी। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ना चाहिए था तो ये ग्राफ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है वो तो खत्म हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि भाई हमने पढ़ा कि भाई द जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड इज इंक्रीजिंग, तो बेटा इसका ग्राफ तो इस तरीके से आ जाना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं किसी एक पीरियड की बात करता हूँ, लेट सपोज मैं सिर्फ पीरियड 2 की बात करता हूँ, अभी पीरियड 2 की, पीरियड 2, ठीक है, तो पीरियड 2 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, मतलब ये लिथियम से लेके नियॉन तक ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जानी चाहिए थी। लेकिन इस ग्राफ में आपको क्या चीज ऐसी है जो कि तंग कर रही है, जो कि अपने पैटर्न को चेंज कर रही है, वो कौन से 2 पॉइंट्स आपको इस ग्राफ में नजर आ रहे हैं जो कि अपने पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ बेटा बताइएगा। बेटा पीरियड 1 को छोड़ो, अभी मैं पीरियड 3 की बात कर रहा हूं। पीरियड 3 में फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, जब मैं लिथियम से नियॉन तक जा रहा हूं, तो बेटा अकॉर्डिंग टू आर जो ऊपर हमने पढ़ी थ्योरी कि पीरियड 3 में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है पीरियड 3 में लिथियम से लेकर नियॉन तक, तो इसका तो स्ट्रेट लाइन आने चाहिए था। लेकिन जब मैंने इसकी इन सब की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करके ये ग्राफ बनाया, तो आपके पास देखो लिथियम से नियॉन तक एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पर 2 चीजें ऐसी हैं जो कि इस पैटर्न को डिस्टर्ब कर रही हैं। वो 2 चीजें क्या हैं, वो 2 ड्रॉप क्या है बेटा, एक ये ड्रॉप है बिटवीन बेरिलियम एंड बोरॉन। बेटा बेरिलियम और बोरॉन में देखा जाए तो हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में आ रहे हैं, तो बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ये ड्रॉप आ गया बेरिलियम से लेके बोरॉन तक, ये एक अनएक्सपेक्टेड सा मेरे पास ड्रॉप आ गया। अच्छा चलो, फिर मैं आगे बढ़ा तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, नाइट्रोजन में फिर से बढ़ गई, लेकिन ऑक्सीजन में जो बढ़नी चाहिए थी तो सेकंड ड्रॉप आपका एक और आ गया, दैट इज दी ड्रॉप 2। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेट कर्व है, देखो स्ट्रेट कर्व ऐसे आना चाहिए था, वो डिस्टर्ब हो गया, स्ट्रेट कर्व की जगह ये 2 वैल्यूज पे ड्रॉप आ गया। ठीक है चलो, ये तो पीरियड 2 की बात होगी। जब मैं पीरियड 3 पे गया, पीरियड 3 ये रहा,
फ्रॉम सोडियम टू एर्गन, सोडियम से लेके एर्गन तक जब मैं गया तो बेटा मैंने कहा चलो हो सकता है पीरियड टू में ये मसला आया हो कि दो ड्रॉप आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही ग्राफ में, मतलब वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रही, ब्रिलियम और बोरॉन पे डिक्रीज हो गई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे डिक्रीज हो गई। मैंने कहा चलो एक पीरियड की बात होगी, आगे चल के देखता हूँ। मैं जब पीरियड थ्री पे गया, सोडियम से सोडियम और मैग्नीशियम आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज्यादा आई, सोडियम की कम थी, ठीक है भाई ट्रेंड यही है कि बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब मैं एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए गया तो फिर से ड्रॉप हो गया, फिर से कम आ गई मैग्नीशियम से। तो यहाँ पर भी सेम जगह पर सेम थिंग पर एक और ड्रॉप आ गया, ड्रॉप वन, और फिर इस तरीके से एक और ड्रॉप आया फॉस्फोरस और सल्फर पे, विच इज ड्रॉप टू। अच्छा अब इन चारों ड्रॉप्स में जरा ना सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, इन चारों को स्टडी करना तो मुश्किल हो जाएगा, तो इन चारों में सिमिलैरिटी ढूंढते हैं। मैंने देखा यार ये जो ब्रिलियम और बोरॉन है, ब्रिलियम है ग्रुप नंबर टू में, बिल्कुल ब्रिलियम ग्रुप नंबर टू में है, बोरॉन ग्रुप नंबर थ्री में है, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर फाइव में है और ऑक्सीजन ग्रुप नंबर सिक्स में है। यही सेम पैटर्न मैंने देखा कि जब मैं सेकेंड पीरियड में गया तो सेकेंड पीरियड में भी ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के दरमियान वैल्यू डिक्रीज हो गई और ग्रुप फाइव और ग्रुप सिक्स के दरमियान भी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो मतलब ड्रॉप्स की जो पोजीशन है वो सेम है, मतलब अगर मैं पीरियड फोर में चला जाऊंगा ना लेट्स सपोज, तो वहां पर भी ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के एलिमेंट में ये ड्रॉप आएगा और फिर ग्रुप फाइव और ग्रुप सिक्स के एलिमेंट में ये दूसरा ड्रॉप आएगा। आ रही है बात समझ में? तो मैंने पैटर्न को अंडरस्टैंड किया कि यार ये क्या चीज एक नई निकल कर आ गई ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट उसको इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये दो कोई पंगे वाली बातें हैं कि ग्रुप टू और थ्री आयनाइजेशन एनर्जी का फर्स्ट ड्रॉप आ रहा है और ग्रुप फाइव और सिक्स में आयनाइजेशन एनर्जी का सेकेंड ड्रॉप आ रहा है। और यही जो दो ड्रॉप है ना ये एग्जामिनर के क्वेश्चन है आपके लिए, वो बार बार आयनाइजेशन एनर्जी से यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ ग्रुप टू और ग्रुप थ्री में या ब्रिलियम और बोरॉन में या मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में ड्रॉप क्यों आता है। ठीक है तो बेटा ब्रिलियम बोरॉन याद करो, मैग्नीशियम एल्युमिनियम याद करो, इससे बेहतर है आप हमेशा ये बात याद रख लो कि भाई जब भी ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के दरमियान आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ड्रॉप होगी क्योंकि उनका रीजन सेम है। ठीक है अरे ना बात सुन, अब ब्रिलियम बोरॉन मैग्नीशियम एल्युमिनियम इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, आपने बोला ग्रुप टू और ग्रुप थ्री क्योंकि इसके रीजन ही ग्रुप्स की वजह से, अब वो क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन क्या मेरा सवाल समझ में आया कि मैं आपसे किस चीज पर आर्गुमेंट कर रहा हूँ बेटा? अगर ये बात समझ, देखो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी लेकिन ये दो पोजिशन पर आयनाइजेशन एनर्जी ड्रॉप हो गई, और ये बेटा ये कॉन्स्टेंट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो दिस टू बी लर्न, ये आपको याद करने हैं, समझना है, इसका कॉन्सेप्ट लेना है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके फिर आपसे फिर पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है देखो जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है ना उस पर हम लोग आर्ग्यूमेंट ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, इसका बेसिक रीजन वो हमें बिठाना दिमाग में बिठाना है, उसको याद करना है और फिर उसको पेपर में किस तरह लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको? कुछ स्टूडेंट अभी आज लेट भी आए हैं सर। जी सर पर मेजर ड्रॉप तो ग्रुप वन में आया ना। हाँ बेटा सर मेजर ड्रॉप जो था वो ग्रुप वन में आया है। बेटा वो तो पीरियड चेंज हुआ है ना, देखो ये पीरियड वन है ये खत्म, फिर हम जाए पीरियड टू में, पीरियड टू के सबसे पहला एलिमेंट लिथियम है तो आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा नीचे से ऊपर जाएगी ना। अगर मैं इंडिविजुअल पीरियड की बात करूं, ये मैंने तीन पीरियड साथ बनाए, समझ रहे हो, पीरियड वन, ये पीरियड टू और ये पीरियड थ्री, तो जैसे ही आपका पीरियड चेंज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी तो स्टार्ट होगी लो से, समझ आ रही है बात? मैं एक पीरियड की बात कर रहा हूँ, मैं इन तीनों कंबाइन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यार चलो अब मैं अपनी बात को थोड़ा सी और आसान करता हूँ। ये तो मैंने कंबाइन ग्राफ बनाया ना, मैं कंबाइन ग्राफ नहीं बना रहा, आपके आगे के टॉपिक से रिलेटेड एक और ग्राफ बना देता हूँ क्योंकि आगे चैप्टर में आपको पूरा पीरियड थ्री डिस्कस करना है
तो ये पूरी चीज सेम टू सेम हम रिपीट करेंगे आगे चैप्टर में, सही है? तो अब मेरी बात सुनिएगा, मैं सिर्फ पीरियड थ्री की बात कर रहा हूं। तो एक इंडिविजुअल पीरियड की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, ये इसका स्केच है, ठीक है? यह आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और एल्गिन, ठीक है? मैं सिर्फ पीरियड थ्री की बात कर रहा हूँ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो व्हेन आई मूव अक्रॉस द पीरियड थ्री, तो अब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए था ग्राफ ये, लेकिन आया नहीं, दो ड्रॉप्स आ गए, सही है? अब उन ड्रॉप्स को समझते हैं, अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, तुम्हें पूछ रहे थे ना, चलो गुड। अब सुनना बच्चे बहुत गौर से, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस और सल्फर, इनके ड्रॉप का रीजन समझते हैं। बेटा जो ड्रॉप का रीजन पीरियड थ्री में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का है वो पीरियड टू में ब्रिलियम बोरॉन का होगा, और जो रीजन पीरियड थ्री में फॉस्फोरस सल्फर का है वही रीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होगा, ठीक है? तो मैं दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूँ कि अगर हम पीरियड टू की बात कर रहे हैं तो ये ड्रॉप आ रहा है ब्रिलियम बोरॉन के दरमियान, और अगर हम पीरियड थ्री की बात करते हैं तो ये ड्रॉप आ रहा है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के दरमियान, ठीक है? और अगर हम जनरल बात करें तो ये ड्रॉप आ रहा है बिटवीन ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री के एलिमेंट के दरमियान। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना बेटा, अगर मैं लिखूं यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर है 12, एल्यूमिनियम का 13, क्या आप लोग मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो दोनों की? क्या होगी बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर टाइप करेंगे देखना तो मुश्किल होगी, ऐसे ही बता दो, टाइप नहीं करो ऐसे बता दो भाई। हाँ बोलो, लग रहा है तो अच्छा टाइप कर रहे हैं, ऐसे भी बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। हाँ बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं जल्दी से, शाबाश। वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी वन, ठीक है? वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स ये होगा और थ्री एस टू, बेटा मैग्नीशियम की बात करें ना, 12 बस ये होगा। एल्यूमिनियम की 1s2, शाबाश बेटा फजी, 2s2, 2p6, 3p1 ऐड हो जाएगा, 3s2, 3p1, p1, बेहतरीन। बेटा मैग्नीशियम के पास जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में है, ठीक है? जिससे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, लेकिन जब हम एल्यूमिनियम की तरफ चले गए तो बेटा एल्यूमिनियम के अंदर हमारा शेल तो थर्ड ही है, थर्ड शेल ही है, लेकिन ऑर्बिटल कौन सा हो गया? अब पी ऑर्बिटल, ठीक है? और बेटा मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो एस पी डी और एफ ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ते चले जाती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है, पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गया, डी ऑर्बिटल और दूर हो गया, एफ ऑर्बिटल और मजीद दूर हो गया, ठीक है? तो बेटा मैं थर्ड शेल में तो हूं, लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है
वो एस की जगह पी ऑर्बिटल से निकल रहा है, विच इज फार अवे, विच इज अ लिटिल फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो बेटा देखो, जैसे ही पी का ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर हो गया तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो पहला जो ड्रॉप आ रहा है, ये यही रीजन बेरिलियम और बोरॉन के दरमियान भी है। देख लेते बेटा कि अगर मैं बेरिलियम की बात करूं विच इज 4 एंड बोरॉन की बात करूं विच इज 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूं बेटा, 1s2 2s2, इधर 1s2 2s2 2p1। ठीक है, शेल सेम ही है लेकिन ऑर्बिटल दूर हो गया, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। अरे ये बात समझ में? तो बेटा हर वो एलिमेंट जब भी वो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 पर शिफ्ट होगा तो वहां पर हमेशा ये पी का ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होगा, सेम शेल में पी का ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में पहला ड्रॉप आ जाएगा। अरे बात समझ बेटा, ये बात आपको दिमाग में बिठा के कंप्लीटली मेमोराइज करनी है। एग्जामिनर आपसे बार बार पूछेगा कि भाई क्यों आ रहा है ये ड्रॉप, क्यों आ रहा है ये ड्रॉप, द रीजन इज सेम। ठीक है, अब मैं आपको लिखवा देता हूं, देयर इज अ स्लाइट डिक्रीज, बहुत ही नॉमिनल सा डिक्रीज है, कोई इतना बड़ा डिक्रीज नहीं है, बहुत छोटा सा डिक्रीज आता है। देयर इज अ स्लाइट डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिटवीन बेरिलियम बोरॉन एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम because the fifth electron in boron is located in 2p subshell which is slightly further away from the nucleus ठीक है। Which increase in shielding effect, so ionization energy decreases। देखो beryllium के अंदर चार इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2, इसके आगे सिर्फ एक ही शेल है। ठीक है, तो इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट होगा, कुछ भी हो, लेकिन जो बोरॉन के अंदर जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो 2 के पी के ऑर्बिटल में चला गया है, तो इसके आगे कितने शील्डिंग इफेक्ट आ रहे हैं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शील्ड आ रही है, 2 की। तो जहां शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया मतलब आपका 2p जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, डिक्रीज आ गया। एल्यूमिनियम में क्या लिखोगे बेटा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, वो 3p के में जा रहा है, विच इज लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, रीजन सेम है, समझ आ रही है बात। तो इन चारों, इन दोनों का रीजन सेम है, तो जब भी हम ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की बात करेंगे सेम रीजन आएगा हमारे पास। तो बेटा क्या ये पहले ड्रॉप का रीजन आप लोगों को समझ में आया?
सर तो इसकी ये वजह है ना कि अगर सब शेल चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, इस वजह से आयनाइजेशन हाँ कम लग रही है इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने में। बिल्कुल ऐसा ही सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ओके लेकिन तुम इंटरनल एनर्जी को यूज यू नहीं करोगे, तुम्हारा आंसर इन टर्म्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट डिस्टेंस इसमें होना चाहिए। सही, समझने के लिए तुम इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आंसर इसमें लिखो। ठीक है, तो बेटा इसकी आप पिक्चर ले लो, यहाँ से हमने बात शुरू करी थी ना। बाकी मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ इसकी पीडीएफ फाइल भी शेयर करूंगा, तो यही सब बातें उसमें भी लिखी हुई हैं, तो दैट फाइल वुड बी वेरी हेल्पफुल पढ़ने के लिए और एक स्टडी मटेरियल के लिए। अब इसकी पिक्चर ले लो, यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, फर्स्ट ड्रॉप। अच्छा बेटा, ये रहा पीरियड टू पीरियड, अक्रॉस द पीरियड वाले पॉइंट, यहाँ से पिक्चर लेनी है, यहाँ से ले लो। और बाकी इन सब की रिकॉर्डिंग्स, अच्छा मोहतसम, तुम जो है सारी रिकॉर्डिंग्स बेटा पीछे से देखकर उसका जो भी काम है वो नोट डाउन कर लेना, जो फिर इनका रिवीजन है, जो जो क्लासेस आपकी मिस हुई हैं तो वो मैं आपको बिल्कुल करवा दूंगा। लेकिन द कंडीशन इज दैट कि काम आपके पास कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए, वो आप आपस में शेयर भी कर सकते हो या फिर वीडियो लेक्चर से भी एटलीस्ट काम आप लोग कर सकते हो। जब अगर आपके पास काम कंप्लीट होगा तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को फौरन से एक रिवीजन या लेने का। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को करना है। ये मेरा एक ये फ्रेम आ गया, एक आ गया ये, और फिर यार पूरा ले लेता हूँ। सही है, तो ये पहला रीजन आ गया फर्स्ट ड्रॉप का, आयनाइजेशन एनर्जी का। आखिरी टॉपिक है बस ये इंशाल्लाह, इसके बाद इट माइट बी पॉसिबल कि कल तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसके टॉपिकल पासेस वगैरह करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सही, अच्छा बेटा बात करते हैं सेकंड ड्रॉप की, जो इसमें सेकंड ड्रॉप आ रहा है, इसके आयनाइजेशन एनर्जी में जो सेकंड ड्रॉप आ रहा है, वो सेकंड ड्रॉप आ रहा है किन किन दो एलिमेंट्स के दरमियान। ऊपर जाता हूँ, अगर पीरियड टू में हूँ तो वो ड्रॉप आ रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, पीरियड थ्री में हूँ तो ड्रॉप आ रहा है फॉस्फोरस और सल्फर के दरमियान। नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस सल्फर एंड ग्रुप फाइव ग्रुप सिक्स, ये ड्रॉप आ रहा है सेकेंड ड्रॉप। ठीक है, पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूंगा, इधर फास्फोरस और सल्फर की बात करूंगा, ये दोनों के रीजन तो सेम ही है। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मुझे लिख दो।
हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा नाइट्रोजन का 17 नहीं है भाई, 7 है, कैसे लोगों। अच्छा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होगी 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। ऑक्सीजन की 1s2, 2s2, 2p4। फास्फोरस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। जबकि सल्फर की होगी बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है। अब यहां पर तो शेल भी सेम है, ऑर्बिटल भी सर, सेम है। हाँ बेटा सर आपने कहा था ना पी में 4 नहीं आता, मैंने ऐसा कब कहा सर आपने ये बताया था कि पी में 4 नहीं आना चाहिए, तो आप 3s1 कर दो और 3p5 हो जाएगा। बेटा? मैंने तो डी की बात करी थी, डी ऑर्बिटल की। डी में क्या बोला? डी ऑर्बिटल, सही। डी तो बेचारा शरीफ आदमी है, डी ऑर्बिटल की बात करी थी। अच्छा अब देखिएगा कि भाई इधर तो शेल भी सेम है, ऑर्बिटल भी सेम, सेकेंड शेल पी ऑर्बिटल, इधर भी सेकेंड शेल पी ऑर्बिटल, यहाँ पर थर्ड शेल पी ऑर्बिटल, ये भी सेम है। तो मतलब यहाँ पे कोई ऑर्बिटल का तो डिफरेंस नहीं है, इसकी जो जो ड्रॉप आ रहा है वो ऑर्बिटल की वजह से नहीं आ रहा। अच्छा और अगर मैं क्लोज स्टडी करूँ यहाँ पर, तो बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपके पास पी के ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, सही। और पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास? 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है और फिर इलेक्ट्रॉन डबल होते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, ठीक है। जबकि टू ऑक्सीजन के अंदर जो पी ऑर्बिटल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। तो 1, 2, 3 और ये 4, सही है। तो इन दोनों में क्या चीज आपको डिफरेंट नजर आ रही है? देखो नाइट्रोजन के अंदर जो पी ऑर्बिटल है ना उसमें हर पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के अंदर जो पी ऑर्बिटल है उसके अंदर एक ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। अब हमें पता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो मुझे बताओ विद इन द पी ऑर्बिटल 2p3 के अंदर रिपल्जन ज्यादा होगी या 2p4 में? क्योंकि 2p4 में, फोर शाबाश, क्योंकि 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर मोर एज कंपेयर टू 2p3। और ये जो रिपल्जन हो रही है, ये जो एक्स्ट्रा रिपल्जन है वो किसकी वजह से आ रही है बेटा? वो इलेक्ट्रॉन के पेयर की वजह से आ रही है, जिसको हम कहते हैं स्पिन पेयर रिपल्जन।
तो बेटा जब यहाँ पर रिपल्जन बढ़ गई स्पिन पेयर की वजह से, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल करते करते थोड़ा सा और दूर चला गया। तो जब ये थोड़ा सा और दूर चला गया, डिस्टेंस कम बढ़ गया एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो गई। ठीक है, यही सेम रीजन फॉस्फोरस और सल्फर का भी है। देखो फॉस्फोरस के पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, लेकिन सल्फर के पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो इधर भी क्या आ गया बेटा, स्पिन पेयर रिपल्जन। ठीक है, तो पहला ड्रॉप आता है 3p ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन p से निकल रहा था, और सेकेंड ड्रॉप आ रहा है 3p के अंदर स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से। इस वर्ड को जरा ध्यान में रखना, स्पिन पेयर रिपल्जन, ये आपको लिखना पड़ेगा। मैं इसके पॉइंट्स आपको लिख के दे देता हूँ कि स्लाइड डिक्रीज आ रहा है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन बीइंग रिमूव्ड इन ऑक्सीजन इज फ्रॉम द ऑर्बिटल विच कंटेन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Pair of electron. The extra repulsion between the pair of electron results results in less energy needed to remove the electron. This is called स्पिन पेयर रिपल्जन। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप पेपर में लिखोगे कि ड्यू टू द एक्स्ट्रा रिपल्जन ऑफ स्पिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिक्रीज। ठीक है, बेटा इसी पिक्चर ले लो। अब इसकी पिक्चर ले लो। तो बेटा एवरीथिंग इज क्लियर? अभी हा, दीन, अम्मार, दाऊद, फसी, हमेल, रुमेल, मौतसम, उमर। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स बताएं बेटा, वेट कर रहा हूँ। ओके अदीन, सही है बेटा। ओके अदीन, करता हूँ बेटा।
रुमेल ठीक है मार जबरदस्त बेटा रुमेल ओके। हाँ दीन ये ले भाई ये ले ठीक है। तो चले फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।